नमस्कार, खबर हार देख और सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशबू गोंडल। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल रविवार को चुनाव आयोग से मिला। इन्होंने ईसी से 5 मांगे रखी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, हम गठबंधन के नेता तीसरी बार एक साथ चुनाव आयोग आए हैं, हमने हमारी चिंताओं को चुनाव आयोग को बताया और चर्चा की। पोस्टल बैलेट के रिजल्ट ईवीएम के रिजल्ट से पहले जारी किए जाए, नियमों के तहत काउंटिंग हो, पर्यवेक्षक इन को लागू कराए, मतगणना की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो और कंट्रोल यूनिट का वेरिफिकेशन हो, मशीन से जो डाटा आए उसे कंफर्म किया जाए। ईवीएम को जब सील किया जाता है तो उसे वेरिफाई करने के लिए काउंटिंग एजेंट होने चाहिए, काउंटिंग के दौरान उसे रिकन्फर्म किया जाए। इंडिया गठबंधन प्रतिनिधि मंडल में अभिषेक मनु सिंघवी, डी राजा, राम गोपाल यादव, राज संजय यादव, नासिर हुसैन, सलमान खुर्शीद और सीताराम येचुरी शामिल थे। इसके बाद एनडीए गठबंधन के नेता भी चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे। शनिवार को इंडिया गुट के नेताओं ने बैठक कर 4 जून के लिए रणनीति बनाई थी। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि वे रविवार को चुनाव आयोग से मिलकर कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। विपक्षी दलों ने अपने एजेंट्स को निर्देश दिया है कि वे वोटों की गिनती की प्रक्रिया पर करीब से नजर रखेंगे, साथ ही सुनिश्चित करेंगे कि हर पोलिंग स्टेशन में रिकॉर्ड किए गए वोटरों के आंकड़ों वाला फॉर्म 17C उनके सामने शेयर किया जाएगा। बहु पार्टी डेलीगेशन जिसमें मेरे सब वरिष्ठ कॉलीग्स यहाँ खड़े हैं अलग अलग विभिन्न पार्टियों से, ये तीसरी बार इस चुनाव में मल्टी पार्टी डेलीगेशन गया है चुनाव आयोग। आज हमने 2-3 मुद्दे स्पष्ट रखे उनके सामने, उन्होंने हमें कम समय में समय दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं उनका। सबसे महत्वपूर्ण और अहम मुद्दा ये है कि पोस्टल बैलेट्स ये एक जानी मानी प्रक्रिया है कि चुनाव के परिणाम को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकती है। कई बार ऐसा हुआ है कि सभी पार्टियों के बीच में जो फर्क है वोट्स का वो X है, लेकिन पोस्टल बैलेट्स 2X या 3X होते हैं, यानी पोस्टल बैलेट्स निर्णायक सिद्ध होते हैं परिणाम के मामले में। इसलिए चुनाव आयोग ने एक जो रूल है, प्रावधान है, जो एक्ट के अंतर्गत रूल बनता है, जो स्टैट्यूटरी रूल होता है, कोई गाइडलाइन नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, उसके अंदर कहा है अंतर्गत कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले ली जाएगी, यानी ईवीएम की गिनती के पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती ली जाएगी। ये रूल 54A में लिखा है स्पष्ट रूप से। इस बात को कई बार अलग अलग रूप से चिट्ठियों द्वारा और गाइडलाइंस द्वारा चुनाव आयोग ने दोहराया है। 2019 में बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि पहले आप पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू करिए, उसके कुछ समय बाद आप ईवीएम की गिनती शुरू कर सकते हैं, लेकिन, और ये बहुत अहम बात है, आप ईवीएम की गिनती खत्म नहीं कर सकते या परिणाम का अंत नहीं कर सकते जब तक पोस्टल बैलेट का पूरा रिजल्ट गणना के बाद घोषित न हो जाए, यानी पोस्टल बैलेट की गणना के बाद उसका परिणाम पहले घोषित करना अनिवार्य है। और अगर आप अंत तक पहुंच गए हैं ईवीएम में तो उसको रोकिए जब तक पोस्टल बैलेट का आप परिणाम घोषित न करें। इसके बावजूद, और ये हमारी याचिका है, ये हमारी कंप्लेंट थी आज चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस द्वारा इस स्टैट्यूटरी रूल नियम को बदला है, वो नहीं किया जा सकता कानून में। गाइडलाइंस द्वारा किसी रूल को नहीं बदला जा सकता। उन्होंने गाइडलाइंस द्वारा जो पुरानी गाइडलाइंस थी 2019 वाली जो मैंने बताई अभी आपको, उसको हटा दिया है, उसको निरस्त कर दिया है। और इसका बड़ा सरल और सीधा परिणाम ये होता है कि ईवीएम की पूरी गणना हो जाए अंत तक, तब तक भी पोस्टल बैलेट की निर्णय की घोषणा करना अनिवार्य नहीं रहा है। अब हमारे को पता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि पोस्टल बैलेट के आधार पर निर्णय उत्तर से दक्षिण हो गया है, पूर्व से पश्चिम हो गया है, इसीलिए ये प्रावधान बनाया गया था, यही इसका औचित्य है। इसलिए ये अति आवश्यक है कि ए, आप कानून के अंतर्गत एक गाइडलाइन द्वारा नियम को नहीं बदल सकते, बी,
पोस्टल बैलेट जो निर्णायक एक रोल प्ले करता है उसके लिए भी अनिवार्य है कि उसको पहले गिना जाए, और तीसरा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, गणतंत्र के लिए, स्वतंत्र चुनाव के लिए, जो कि संविधान के मूल तत्वों का एक अभिन्न अंग माना गया है, ये आवश्यक है कि जो पुराना रूल था उसी को फॉलो किया जाए, जो प्रावधान अभी भी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।